वेलकम टू यूट्यूब चैनल दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर वेव फ्रॉक फॉर 10 to 12 ईयर बेबी गर्ल। जिसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है और साथ में 1/2 मीटर वाइट फैब्रिक लिया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने फैब्रिक को फोर फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पर हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो फोल्ड एरिया से शोल्डर हम लेंगे 5 इंचेस और यहाँ से आर्म होल हमें लेना है 5 इंचेस और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। और यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, वो हम लेंगे 8 इंचेस और हल्का सा राउंड शेप बनाते हुए आर्म होल ड्रॉ करना है इस तरीके से। और ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ हम लेंगे 13 इंचेस और यहाँ से कमर की ब्रॉडनेस हम लेंगे 7.5 इंचेस और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। अब नेक की ब्रॉडनेस हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंचेस और लेंथ हमें लेनी है बैक पार्ट के लिए 1 इंच और फ्रंट पार्ट के लिए 2 इंचेस और हल्का सा राउंड शेप बनाते हुए हमें नेक ड्रॉ करना है यहाँ पे फ्रंट और बैक के लिए इस तरीके से। अब हमें इसे कट कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे हम बैक पार्ट के लिए नेक कट करेंगे। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे बैक पार्ट को हमें अलग करना है और फ्रंट पार्ट को फिर से हमें फोल्ड करना है, अच्छे से 2 फोल्ड करना है और यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट के लिए नेक कट करेंगे। ये देखिए हमने दोनों पार्ट कट कर लिए हैं फ्रंट और बैक के लिए और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, इसे हमें अच्छे से 2 फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें पैटर्न ड्रॉ करनी है और हमें कट करना है अच्छे से 2 फोल्ड करने के बाद। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे ऊपर से डाउन पे 3 इंचेस पे हमें मार्क करना है आर्म होल पे और यहाँ पे राइट साइड में फोल्ड एरिया से 1 इंच पे हमें मार्क करना है लेफ्ट साइड में और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है इस तरीके का। हमें शेप ड्रॉ करना है पैटर्न के लिए। अच्छे से 2 फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे शेप ड्रॉ करेंगे और हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे तो हमें लेफ्ट राइट और मिडल पार्ट हमने कट कर लिया है और मिडल पार्ट को हमें अब यहाँ पे मिडल पार्ट के शेप में हमें वाइट फैब्रिक से सीधा इसके ऊपर रखते हुए हमें एज इट इज कट कर लेना है पैटर्न के लिए फ्रंट पार्ट पे। तो हम सीधे इसके ऊपर रखेंगे वाइट फैब्रिक के ऊपर और हमें एज इट इज़ मार्क कर लेना है और 2 इंच ज़्यादा रखते हुए हमें इसकी लेंथ हमें कट कर लेना है। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे और इसे हमें लेफ्ट पार्ट के साथ अटैच करना है। इसके ऊपर हमें उल्टा रखना है मिडल पार्ट को और बॉर्डर को मिला दे जाना है और ऊपर से हमें सिलाई करनी है और इस तरीके से जो हमारा राइट का पार्ट है इसे मिडल पार्ट के ऊपर हमें यहाँ पे उल्टा रखना है, यहाँ से बॉर्डर मिलाते जाने हैं और हमें सिलाई करनी है। ये देखिए हमने लेफ्ट राइट और मिडल पार्ट को हमने अटैच कर लिया है और यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें रिमूव करना है इस तरीके से। ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी हो गया है पैटर्न के साथ। अब यहाँ पे हमें दोनों पार्ट के बेस फैब्रिक कट करने हैं तो बेस फैब्रिक के ऊपर फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को हमें सीधा रखना है इस तरीके से।
और यहाँ पे दोनों पार्ट को हमें फैब्रिक के ऊपर एज इट इज़ मार्क कर लेना है और हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए हमने दोनों पार्ट के लिए बेस फैब्रिक कट कर लिए हैं और बेस फैब्रिक को हमें यहाँ पे मेन फैब्रिक के ऊपर उल्टा रखना है और अच्छे से मिलाने के बाद आर्म होल्स में और नेक पार्ट में हमें सिलाई करनी है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में हमें मेन और बेस को अच्छे से मिलाना है और हमें सिलाई करनी है। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है दोनों पार्ट्स में इस तरीके से। और यहाँ पे अब हल्के हाथों से अब नोचिस लगाएंगे जहाँ भी हमने सिलाई की है वहाँ पे आर्म होल्स में और नेक पार्ट में हमें हल्के हल्के हाथों से कट्स लगाने हैं। और कट्स लगाने के बाद दोनों पार्ट को हमें राइट साइड पे टर्न कर लेने हैं। ये देखिए हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को राइट साइड पर टर्न कर लिए हैं। ये हमारा टॉप का पार्ट रेडी हो गया है और यहाँ पे हमें बॉटम का पार्ट बनाना है। तो फैब्रिक से हमने दो रेक्टेंगल पीसेस कट किए हैं बॉटम पार्ट बनाने के लिए, जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 41 इंचेस और लेंथ हमने रखी है 26 इंचेस। और यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे हमें बॉक्स प्लेट बनानी है, तो इसका सेंटर हम मार्क करेंगे एक पार्ट पे। और सेंटर मार्क करने के बाद दोनों साइड पे हमें 4-4 इंचेस पे मार्क करते जाना है, 1 बाय 1 हमें मार्क करते जाना है लेफ्ट और राइट दोनों साइड में बॉक्स प्लेट के लिए। इस तरीके से 4 इंचेस पे हमें 1 बाय 1 मार्क करते जाना है। और इसके बाद हम यहाँ पे बॉक्स प्लेट रेडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड से सेंटर तक हमें मार्किंग को मिलाते हुए फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें अच्छे से पिन कर लेना है। और यहाँ पे ऑपोजिट साइड में मार्किंग को मिलाते हुए हमें फोल्ड करना है वापस और हमें पिन करना है। और इस तरीके से लेफ्ट साइड में भी हमें राइट टू लेफ्ट सेंटर तक हमें फोल्ड करना है और हमें पिन करना है। और इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए हमें बॉक्स प्लेट रेडी करनी है, अच्छे से पिन कर लेना है। और इस तरीके से हमें दूसरे पार्ट में भी बॉक्स प्लेट रेडी करनी है। ये देखिए हमने दोनों पार्ट पे बॉक्स प्लेट रेडी कर ली है और हमें ऊपर से सिलाई करते हुए बॉक्स प्लेट को हमें फिक्स कर देना है दोनों पार्ट्स में। और यहाँ पे हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इसे यहाँ पे हमें अरेंज करना है और बॉटम पार्ट पे हमें इसे उल्टा रखना है और हमें सिलाई करनी है दोनों पार्ट में फ्रंट और बैक में। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम जॉइंट कर लिए हैं और दोनों पार्ट को हमने राइट साइड पर टर्न कर लिया है और एक को राइट रखते हुए दूसरा हमें उल्टा रखना है इसके ऊपर। और यहाँ पे अच्छे से मिलाएंगे हम फ्रंट और बैक को और दोनों शोल्डर में हमें सिलाई करनी है। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है दोनों शोल्डर में, दोनों शोल्डर को हमने अटैच कर लिए हैं और यहाँ पर हमें स्लीव्स बना के अटैच करनी है। तो इस तरह के हमने दो स्लीव्स कट किए हुए फैब्रिक से, जिसकी लेंथ हमने ली है 17 इंचेस और दोनों को साथ में हमें टू फोल्ड करना है। और यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे, तो राइट साइड से 2.5 इंचेस पे हमें मार्क करना है और इस मार्किंग से हमें फोल्ड एरिया तक हल्का सा राउंड शेप देते हुए शेप ड्रॉ करना है स्लीव्स के लिए। और हमें इसे कट कर लेना है। देखिए हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे तो हमें स्लीव्स के लिए
दो पीस मिल गए हैं यहाँ पे, और इसकी एक बॉर्डर को हमें रॉन्ग साइड पर डबल फोल्ड करते हुए सिलाई करना है। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है, और यहाँ पे स्लीव्स को हमें अटैच करना है। तो इसकी जो राउंड शेप वाली बॉर्डर है इसे यहाँ पे हमें उल्टा रखना है आर्म होल के ऊपर, और बॉर्डर को मिलाते जाना है पूरे राउंड को, और हमें सिलाई करनी है। और इस तरीके से हमें दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेना है। ये देखिए हमने दोनों स्लीव्स अटैच कर ली है, और यहाँ पे ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। यहाँ पे हमें लेस अटैच करनी है, जो हमने डिज़ाइनर लेस ली हुई है 1 मीटर, इसे हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। और यहाँ पे एक को हमें इस तरीके से सीधा रखना है, और दूसरे को यहाँ पे हमें उल्टा रखना है, दोनों पार्ट की जॉइनिंग है वहाँ पे, और हमें सिलाई करनी है। ये देखिए हमने पैटर्न के लिए दोनों लेस को अटैच कर लिया है, और फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को हमें रॉन्ग साइड पे टर्न करना है इसकी फिटिंग के लिए, फ्रॉक की फिटिंग के लिए हमें। और यहाँ पे अच्छे से मिलाने के बाद दोनों तरफ से 1 इंच की डिफरेंस में हमें सिलाई करनी है। ये देखिए हमने दोनों तरफ से 1 इंच की गैप पे सिलाई करते हुए फ्रॉक को हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है, और इसके नीचे वाली जो बॉर्डर है इसे हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई करनी है। तो अब तैयार है हमारा डिज़ाइनर बॉक्स फिटेड बेबी फ्रॉक। दोस्तों अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही उस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।